और हम ये दावे से कहते हैं कि ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी। और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी कि इस देश में लोग एक बड़ी ताकत हैं, लोग इतिहास लिखते हैं कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे और उस दिन दुनिया में मोदी मोदी नहीं, किसान किसान होगी। साथियों, पिछले 5 दिन से हमारा ये 5वां राउंड बातचीत का था। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के टॉप ऑफिसर्स के साथ। जैसा आप सब जानते हैं, 2 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने अनाउंस किया था कि हम रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे। हमने घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा। इस देश में पहली बार सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है, कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आज रात को वर्कआउट होनी है, कल हम आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। मगर आप सबके माध्यम से हम देश भर के किसानों को कहना चाहते हैं, पिछले 2 महीने से आपने बेसब्री से बहुत दुख के साथ इंतजार किया है और अफसोस है कि वो बातचीत आज भी सरकार के अड़ियलपने की वजह से टिक नहीं पा रही है। लेकिन 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी। शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आन बान पे कोई छींटा नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, योगेंद्र जी ने अभी आपको बताया है कि हमारी सहमति बन गई है, करीब करीब जो इश्यूज थे वो शॉर्ट आउट हो गए, कहीं कहीं मामूली जो चेंजेस हैं रूट में वो फाइनल जो नक्शा सुबह सबके सामने प्रेस मीडिया को बता दिया जाएगा और किसानों को भी तक संदेश आप लोगों के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा कि कौन से बॉर्डर से किस रूट पे हम जा रहे हैं और कहां कहां हम पहुंचेंगे। ये प्रतिष्ठा का प्रसंग बना हुआ था जो हमको बैरिकेड पे रोका गया था और हमने ये कह दिया था कि 26 तारीख को ये बैरिकेड नहीं होंगे, पुलिस हटाए, पुलिस नहीं हटाएगी तो हम हटा देंगे। अंततः किसान की जीत हुई है, बैरिकेड हटाए जा रहे हैं और जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड की जो कॉल थी वो गणतंत्र दिवस की परेड 26 तारीख को आरंभ होके और पूरे जो हमारे डेजिग्नेटेड रूट्स हैं उनके ऊपर चल के हम अपना सेलिब्रेशन करेंगे। आधा बात तो युद्धवीर जी ने और यादव जी ने बताई दी है और यही जो अंदर पास हुआ है उस पर जहाँ सहमति बनी है थोड़ी सी रूट के पॉइंट की है, वो कल तक हो जाएगा, सुबह तक हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि जितने भी हमारे किसान भाई परेड में आएंगे वो सभी शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहें, एक दूसरे के आगे ना भगाएं और जैसे पूरी कमेटी जो दिशा निर्देश दे उनको माने, अनुशासन बनाए रखें। और जो सरकार की ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर, वो सब चीजें जो है वो सॉल्व हो गई है। सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमने ये भी कह दिया था कि अगर सरकार बैरिकेड लगाएगी तो फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे।
अब वो तोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप हटा रहे हैं। तो ये एक जो है इस आंदोलन की एक बड़ी जीत है कि वो अपने आप हटा के, लेकिन वो एक रूट जो है वो तय कर देंगे और उस रूट के ऊपर हम पूरी स्वतंत्र परेड उस दिन देखिए। सभी को अनुमति मिली आपको, सब सारे एक मिनट देखिए, आज जो पांचवें दौर की बातचीत हुई है उसमें ये साफ हो गया है कि इस देश में लोग एक बड़ी ताकत हैं, लोग इतिहास लिखते हैं और आज उन्होंने अपनी जो इतना इकट्ठ किया उसके आगे दिल्ली पुलिस को, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा और ये देश के इतिहास में नहीं दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी परेड होगी और हम ये दावे से कहते हैं कि ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी। इस आंदोलन पर भी रिसर्च होगी, इस पर भी लिखा जाएगा, ये बहुत बड़ी परेड होगी और ये हम जीत सोचते हैं कि एक कदम हमने जीत की ओर बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। दिल्ली के भीतर परेड होगी और उस दिन दुनिया में मोदी मोदी नहीं किसान किसान होगी और उस दिन हमारी ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस होगी। हम अपना जो किसानों का केस है पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और जब तक लॉ निरस्त नहीं होंगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 26 को हम एक बड़ी गैदरिंग बड़ा करने जा रहे हैं। सभी लोगों को अपील है जो चिडूनी जी ने भी कहा कि आप आइए, जो झांकियां निकालिए वो जो ट्रैक्टर है ट्रक है उसकी ऊंचाई से ज्यादा ना हो कि रास्ते में कहीं तार से ना अड़े। हमें अपनी झांकियां भी बनाकर लाएं खूबसूरत जो हमारी किसानों की हमारी दशा को दिशा को बयान करती हो, झांकियां भी बनाकर लेके आए, बड़ी गिनती में आइए और अपनी यूनियन के झंडे और जो झंडा आपको ठीक लगे लगाकर आइए और बड़ी गिनती में आइए और एक कमाल का दिन वो इतिहास सृजने के लिए। और आपको ये हम कहना चाहेंगे कि एक कदम जीत की और हम झूठ के बारे में बताते हैं कोई पांच ही नहीं, पांच जितने ट्रैक्टर होंगे सारे दिल्ली ये 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक चलेगी परेड। कितने द्वारा जितने ट्रैक्टर होंगे सभी रात निर्विघ्न चलूगी, जितने ट्रैक्टर होंगे सारे परेड च शामिल। साथी दो सवाल पूछना चाहते हैं, एक तो टाइम दूसरा रूट। टाइम का जैसे हमने बताया टाइम का कोई लिमिट नहीं है क्योंकि जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन है खुद पुलिस हमें कह रही है कि जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा आ रहे हैं, पुलिस हमें बता रही है। तो ऐसे में कोई बार बार पहले पुलिस की तरफ से यह आ रहा था कि आप लिमिट कर दो इतने ट्रैक्टर आएंगे, ऐसी कोई लिमिट मंजूर नहीं हुई है, जो ट्रैक्टर आएंगे सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रही रूट की बात, रूट में जहां जहां पे हमारे मोर्चे हैं जितने भी मोर्चे हैं सब आगे बढ़ेंगे, यानी कि सब बैरिकेड खुलेंगे, सब अपने आगे की सड़कों पर जाएंगे। उसके बाद लगभग 80% रूट डिसाइड हो चुका है, थोड़ा सा आज हमारे साथियों ने रात को रेकी करके कुछ माइनर पॉइंट्स को सेटल करना है, इसलिए आपको वो हम सारी सूचना कल शेयर करेंगे। वैसे भी सारी सब खबर आज मिल गई, 60 किलोमीटर अबाउट 100 किलोमीटर हमें दिल्ली में परेड कम से कम 100 किलोमीटर 100 से ज्यादा एक्चुअली 100 किलोमीटर से ज्यादा दिल्ली के अंदर चलेगी ये परेड और अलग अलग पॉइंट्स से चलेगी। और वैसे भी सारी खबर आज आ गई तो कल अपने पास कहने को क्या रहेगा। जगह पे जहां से परेड चलेगी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आएगी, कोई दिल्ली में नहीं बैठेगा, कोई ऐसी योजना नहीं है, हमें लंबा शांतिपूर्ण ऐतिहासिक संघर्ष करना है। मैंने आपको बताया है कोई एक सिंगल रूट नहीं है, ये सारी की सारी परेड किसी एक सिंगल रूट पे नहीं चल सकती, अलग अलग जहां से एंट्री पॉइंट होगा उसका अलग अलग रूट होगा, क्योंकि अगर एक सिंगल रूट पे चलेगी तो पता नहीं कितने दिन तक चलेगी ये परेड। तो अलग अलग जगह के अलग अलग रूट बने हैं जो कि घूम के वापस उसी पॉइंट पे खत्म होंगे और कल सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। नक्शा है लेकिन पक्का नहीं है इसलिए मैं शेयर नहीं करूंगा। ये सिंगू बॉर्डर का अलग रूट है, टिकरी बॉर्डर का अलग रूट है, गाजीपुर बॉर्डर का अलग रूट है, शाहजहांपुर का अलग रूट है, पलवल का अलग रूट है, सारे अलग बाकी सारे शेयर करेंगे हम। मीटिंग दे विचो एक वड्डी गल निकल के सामने आई है कि दिल्ली पुलिस ने जेड़ा है वो दिल्ली पुलिस ने
जिहड़ा है वो मन लिया है कि जिहड़ा जिहड़े सारे बैरीगेड्स ने वो हटाए जाएंगे और जिदा कि तुसीं लाइव जिहड़ा है सुनिया है कि सारे ही जिहड़े ट्रैक्टर ने ट्रैक्टर अंदर जिहड़े जाने ने वो किन्ने जाएंगे उन्हां दी कोई गिनती नहीं है और ये बहुत वड्डी एक खबर है कि जिन्हें भी ट्रैक्टर अंदर जा सकनगे वो जाणगे और दूजी सब तो वड्डी गल है कि टाइम की कोई लिमिट नहीं है 24 आवर्स यानी कि जिन्ना टाइम वो ट्रैक्टर घूम के अपन पुरानी जगह से नहीं आ जाते उन्ना चर जेड़े वो चलता रहेगा और दिल्ली पुलिस वालों कितने भी कोई बैरीकेड करके दोबारा कोई इदा की जी रुकावट है वो नहीं पाएगी और बहुत वड्डी एक बिग ब्रेकिंग है जी कि एकम टीवी के माध्यम से थोड़े तक जा रही है कि जिन्ने भी बॉर्डर के उत्ते किसान जथेबंदियां रुकिया हुई हैं सारे ही जेडे बार्डर ने वख-वख बार्डर ने उन्हां वख-वख बार्डर के उत्तो जी परेड चलूगी सारे ही बार्डर के उत्तों परेड चल के दिल्ली के अंदर आएगी और जिन्हें भी ट्रैक्टर आए हैं वो सारे अंदर जाएंगे और एक होर जी वड्डी गल सामने आई है कि किसी भी जथेबंदी वालों किसी भी ट्रैक्टर अंदर जिहड़ा रोकने की कोई मंशा नहीं है सारे ही ट्रैक्टर परेड करके वापस जिहड़े ने वो अपनी जगह ते आउणगे अज दी जिहड़ी पुलिस प्रशासन दे नाल किसान जथेबंदियां दी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई है उस दे विचों निकल के आया है कि एक बहुत किसान जथेबंदियां दा कहना सीगा कि एक बहुत शानदार परेड होएगी और जोगिंदर यादव ने स्पैशल कहा है कि पूरी दुनिया जिहड़ी है इस परेड नूं देखेगी देश दे आजाद होण तों लैके पहली वार एक ऐसी परेड है जिदे विच के किसान जिहड़ा इस देश दा इस गणतंत्र दिवस दे उत्ते जिहड़ा गण है उहदे गुण गायन कीते जाणगे ते किसान होएगी और एक खास गल जिहड़ी आगूआं ने कही है कि इस खास दिन सिर्फ ते सिर्फ रैली गणतंत्र दिवस दे टाइम दे उत्ते दिल्ली दीआं रोड़ां दे उत्ते किसान होएगी पूरे देश दे विच किसान होएगी एक गणतंत्र दिवस ऐसा खास गणतंत्र दिवस होगा जिहदे विच मोदी नहीं किसान होएगी सो बहुत वड्डी गिनती दे विच ट्रैक्टर आ रहे ने और पुलिस प्रशासन ने भी मन्निया है जिवें कि किसान आगूआं दा कहना सी कि पुलिस प्रशासन ने मन्निया है कि तुसीं जिन्ने ट्रैक्टर कह रहे हो वो तुहाडे भी अंदाजे तों जिहड़े ने बाहर ज्यादा ट्रैक्टर जिहड़े ने वो इत्थे आ रहे ने और खुद जिहड़ा पुलिस प्रशासन ये गल मन रहा है कि बहुत ज्यादा ट्रैक्टर जिहड़े ने वो इत्थे इत्थे पहुंचणगे और बहुत ट्रैक्टर जिहड़े आ पहुंच रहे आ और वो सारे ही ट्रैक्टर जिहड़े इत्थे पहुंच रहे ने उन्हां सारिआं दे जिहड़ी जिहड़ा है वो इत्थे आउणगे और सारे ही ट्रैक्टर जिहड़े ने वो बिल्कुल इस परेड दे विच शामिल होणगे और साडे नाल और कोशिश करदे आ कुछ किसान जथेबंदियां दे आगू जिहड़े अंदरों आए ने ओ उन्हां दे नाल थोड़ी गलबात कराउण दी कोशिश करदे आ और किरती किसान यूनियन तो रजिंदर सिंह किरती किसान यूनियन दे सूबा पीत प्रधान रजिंदर सिंह साडे नाल साडे नेड़े ने और कोशिश करदे आ उन्हां दे नाल गलबात करन दी कोशिश करांगे और की ओ कहणगे और गलबात जिहड़ी आ ओ पुलिस प्रशासन नाल अज पंजवें गेड़ दी गलबात सी और जिहड़ी के गलबात रही है कि जिहड़े सारे बैरीगेड्स लगे होए ने वख-वख बॉर्डरां ते ओ पुलिस वल्लों हटाए जाणगे अते जो ट्रैक्टर मार्च है ओ दिल्ली दे विच जिहड़ा है ओ निकलेगा और सारे ही बॉर्डरां तों जिहड़े आ ओ ट्रैक्टर जिहड़े आ ओ अंदर नूं आउणगे और ओ ट्रैक्टर जिहड़े आ दिल्ली दे विच जिहड़ी आ इक शानदार जिहड़ी आ परेड करनगे और कोशिश करते हैं किसान आगू जिहड़े के इत्थे जुड़े हुए ने उन्हां दे नाल भी गलबात करन दी कोशिश करांगे कि उन्हां दा की कहना चाहीदा हरजिंदर सिंह जी साडे नेड़े ने उन्हां नाल गलबात करनी चाहांगे कि ये जिहड़ा पूरा एक पांचवें गेट चो ये गल जिहड़ी निकल के बाहर आई है कि जिहड़ा बैरीगेड्स ने वो पुलिस वल्लों जिहड़े हटाए जाने है और जिहड़ी है किसानां दी एक परेड जिहड़ी है वो इस जगह दे उत्ते होनी है और उस तो बाद अगलियां जिहड़ियां आने वाले दिनों की जिहड़ी गतिविधियां ने वो किदां दियां रहणगियां और किसानां वल्लों जिहड़े आने वाले दिन दे जिहड़ियां कुछ जिहड़े दिन आने ने उन्हां लई की प्लानिंग्स रहणगियां और कोशिश करदे आ तुहाडे नाल गलबात कराउण दी क्वेश्चन लैंदे आ इक किरती किसान यूनियन दे सूबा प्रधान साडे नाल जुड़े ने उन्हां दे तों और इसे तरह ही साडे नाल जुड़े रहो कोशिश करते हैं और इस टाइम और सारे ही आगू ये गल कर रहे हैं कि जिहड़े इस जिहड़ी सरकार है उहदे उत्ते जिहड़ा किसान अंदोलन है उहदी जिहड़ी लहर है उहदा पूरी तरह दबाव जिहड़ा बन चुकिया है और उस दबाव के अंदर जिहड़ा है वह फैसला होया है
और ये फैसला जिहड़ा होया है और इस फैसले दे विच ही जिहड़ा ये निकल के गल बाहर आई है कि दिल्ली दे जिहड़े आउटर रिंग है जिहड़ी पुरानी जिहड़ी दिल्ली दे अंदरों गुजरती है जिहड़ी लगभग 100 किलोमीटर की है उहदे उत्ते जिहड़ी है ये परेड होनी है और इस परेड इस जिहड़ी परेड है ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿੰਦਰ ਜਾਦਵ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਆਊਟਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟ ਮੈਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਚ 'ਚ ਵਾਹਵਾ ਕੋਈ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਸੀ ਜੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਰਚ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੇਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੇਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਏਕਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਿੱਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਡੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ